close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hi guys, लवलेन मार्केट से मैंने क्या शॉपिंग की वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मुझे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि आपने क्या शॉपिंग की थी, प्लीज उसका वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने लवलेन से क्या शॉपिंग की, क्या प्राइजेज हैं। ये जो आज का रिव्यू है ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है कि क्या कमियाँ हैं इन कपड़ों में और आप शॉपिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू कर दें। तो एक टॉप तो मैंने उसमें से पहन रखा है, ये शर्ट है ब्लैक जिसे मैंने लवलेन से लिया था। ये इसका प्राइस था 100 रुपीज। तो आप इसे अलग अलग तरह से स्टाइल करके पहन सकते हैं। आप इसे व्हाइट जीन्स के साथ अगर स्टाइल करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लुक देगा। आप चाहे तो ब्लैक जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है फुल ब्लैक पहनना तो आप ब्लैक के साथ स्टाइल कर सकते हो, ब्लू जीन्स के साथ, या फिर जो वो टाइट वाली स्कर्ट होती है ना उसके साथ भी आप स्टाइल कर सकते हो। बहुत पसंद आया, यू नो 100 रुपीज बिल्कुल वर्थ है ये टॉप, तो आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हो। एंड जो मैं अब दूसरा टॉप दिखाने वाली हूँ आप शॉक रह जाओगे, ये है जस्ट 50 रुपीज़ में। सी, तो ये अंदर से इनर टाइप का है, देन उसके ऊपर इस तरीके से है। ये टॉप भी बहुत खूबसूरत है, आप इसे डिफरेंट टाइप से स्टाइल कर सकते हो, थोड़ा सा शोल्डर डाउन करके स्टाइल कर सकते हो, अपनी पसंद की पैंट्स के संग पहन के स्टाइल कर सकते हो। वैसे ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने इसको लाइट कलर की पैंट के संग स्टाइल किया। और अब मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ ये भी एक शर्ट है, एंड ये है वाइट कलर की शर्ट, ये है 50 रुपीज़ की शर्ट, एंड ये बहुत ही क्यूट है। आप इसे ब्लैक जीन्स के संग, हाई वेस्ट वाली जो पैंट होती है उनके संग स्टाइल कर सकते हो, एंड प्लाजोज के संग भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। ये बहुत क्यूट लगेगी। आप इसे चाहो तो थोड़ा और ग्लैमरस बनाना हो तो शोल्डर डाउन करके स्टाइल कर सकते हैं। और अब जो मैं टॉप दिखा रही हूँ ये है 200 रुपीज़ का। ये ऐसे कॉलर है, यहाँ पे ऐसे बंद हो जाती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे मार्केटिंग करने जाओ या जस्ट इवनिंग में शॉपिंग करने जाओ उसके लिए आप इसे स्टाइल कर सकते हो। तो ये टॉप भी आप देख सकते हो, ये 200 में है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रहा था इसका। और एक टॉप है ये भी जस्ट खरीदा है मैंने 50 रुपीज़ का। ये ऐसा कोई पार्टी वेयर या ऐसा नहीं है, बट सिंपल डेली वेयर के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। आप इसे अपनी पसंद की जीन्स के संग या लूज वाले जो प्लाजो होते हैं अगर आप कंफर्टेबल लुक चाहते हो तो उसके संग स्टाइल कर सकते हो। तो आई थिंक ये भी परफेक्ट है 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। और एक ये ब्लैक टॉप है, ये भी बहुत क्लासी लुक है, मतलब बहुत ही ट्रेंडी लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा था। ये भी मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में। इसे आप वाइट कलर की जीन्स के संग पेयर अप करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कहीं घूमने जाएं या नॉर्मल सिंपल लुक के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये एक टॉप है, ये कॉटन पे है। मेन इसकी अच्छी बात ये है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप इसे यहाँ से ऐसे स्टाइल कर सकते हो, चाहो तो आप अप कर सकते हो शोल्डर जैसे आपको पहनना हो। थोड़ा सा अगर आप इसके संग इंडियन इयररिंग्स वगैरह पहनोगे तो ये थोड़ा इंडो वेस्टर्न वाला लुक देगा आपको। एंड इसे जब भी आप पहने तो ये, बिकॉज यहाँ से जो लूज़ होता है ना, तो ये थोड़ा
टाइट पैंट्स के संग ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसे वाइट या ब्लैक या ब्लू किसी भी जीन्स के संग आप इसे पेयर अप कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ कि लड़कियां जो थोड़ी सी मोटी होती है ना, ये थोड़ा पेट वगैरह निकल आता है, उनके लिए तो ये टॉप बहुत ही परफेक्ट है। एंड बेस्ट चीज़ क्या है कि ये कॉटन पे है। इसे मैंने ख़रीदा था 200 रुपीज़ वाली जो सेल लगती है परमानेंट, वहाँ से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो शॉपिंग वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसे भी जरूर देख लेना। और अब जो मैं टॉप दिखाने वाली हूँ, ये है, ये देखिए, ब्लैक कलर का एकदम सिंपल सा टॉप। ये देखने में बहुत सिंपल है, बट पहनने के बाद ये बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। एंड देखिए, इसके ऊपर से ऐसे नेट दिया गया है, तो ये भी काफ़ी ढीला ढाला, बहुत कम्फर्टेबल सा टॉप है। तो ये टॉप भी आप देख सकते हो, ये मैंने लिया था 100 रुपीज़ में। और मैंने ली एक ये कुर्ती, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड ये बिल्कुल कुर्ती एकदम कॉटन फैब्रिक की है, तो अंकल जी मुझे बोल रहे थे जिस शॉप से मैंने ली थी कि ये 700 की कुर्ती है, पर मैं आपको 400 में दे दूंगा। मैंने उनसे बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करवाई, मैंने सोचा कि चलो नहीं करवाती हूँ बार्गेनिंग। तो मैंने ये कुर्ती ले ली, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही सुपर। मैं इसे अभी रिसेंटली विजिट किया था बनारस, वहाँ पे मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन गई थी, तो मैंने ये कुर्ती को पहन लिया था। होता है ना, मंदिर जा रहे हो तो थोड़े नए कपड़े या साफ़ कपड़े पहन के ही हम लोग जाते हैं, तो मैंने ये कुर्ती पहन ली थी। फिर मैंने इसे वॉश किया, तो ये जो वो बिल्कुल पहले जैसी चमक थी वो चली गई, तो मुझे लगा कि हल्का सा इसका कलर उतर गया है। वो ये रीज़न हो सकता है कि मैंने इसे सर्फ में भिगो के धोया था, अगर मैं तुरंत इसे सोप से धोती तो शायद ना उतरता। तो इसका हल्का सा कलर फेड हुआ है, पर ये इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, आप इसे भी बाय कर सकते हो, पर थोड़ा और बार्गेनिंग करके। मुझे लगता है 400 में ये महंगी थी, ये मैंने 400 में ली थी। अगर ये 300 की रेंज या 250 की रेंज हो तो ये परफेक्ट। और अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो है ये स्कार्फ। मैंने आपको एक शॉप दिखाई थी जहाँ पे 100 रुपीज़ में बहुत सारे स्टोल अवेलेबल थे, डिफरेंट वैरायटीज़ के, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और आजकल ये स्टोल ना आपके बहुत काम आ सकता है, जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो आप मास्क की जगह इसको भी अपने फेस पे लगा सकते हो। तो आई थिंक परफेक्ट है 100 रुपीज़ में। कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है। तो अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बनारस का टूर करवाने वाली हूँ, बनारस की शॉपिंग और बनारस की बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। ये थी वो सारी चीज़ें जो मैं वहाँ से लवलेन से शॉप करके लाई थी। और अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगी कि आप जब लवलेन में शॉपिंग करने जाएँ तो किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, लवलेन जो शॉपिंग प्लेस है ना, वो एक बहुत ही, मतलब वहाँ पे आपको फैशनेबल सारे कपड़े मिल जाएंगे, जो भी नए स्टाइल के आए होंगे, या जो ब्रांड की फर्स्ट कॉपी होती है वो मिल जाएगी। जो ब्रांड की फर्स्ट कॉपी होती है वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी, बट वहाँ पे जब ये होता है कि अभी समर सीज़न जो आने वाला है, विंटर आने वाले हैं, तो उनको समर सीज़न के कपड़े हटाने होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम इसे जल्दी से सेल कर दें, बिकॉज़ वो कपड़े जब वहाँ से हटेंगे तो उनके विंटर वाले कपड़े वहाँ पे आएंगे, तो वो उस समय सेल लगा देते हैं। तो आप अगर ऐसे बीच वाले मौसम में जाओगे तो आपको वो कपड़े काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस पे, जैसे कोई 50 रुपीज़ की सेल लगा लेगा, कोई 100 रुपीज़ की सेल लगा लेगा, तो आपको वो मिलने लगेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि आपने अभी वो कपड़े लिए जो आपको मिल रहे हैं, फिर हो सकता है जब समर आएंगे तो नए नए स्टाइल के कपड़े आ जाएंगे और उनका स्टाइल थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, पर आप उनमें वो चीज़ें लीजिए जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा फैशन में रहेंगे, और आप उनको अलग अलग तरीके से स्टाइल करके पहन लो, तो वैसे भी वो चीज़ें फैशनेबल ही दिखती हैं। मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसे कैरी किस तरीके से करते हो, उन कपड़ों को पहनते कैसे हो। सस्ते कपड़े भी कभी कभी पहन के बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। एंड 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के देखा जाए तो लवलेन बहुत ही परफेक्ट प्लेस है शॉपिंग करने के लिए, स्पेशली जो कॉलेज वाली लड़कियां होती हैं, जिनके पास उतनी कमाई नहीं होती है, उतने पैसे नहीं होते, पर उन्हें फैशन तो करना होता है ना, नए नए स्टाइल के कपड़े पहनना, फैशन करना तो हर किसी को पसंद है आजकल, तो वो लोग जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। थोड़े से पैसों में आप अपनी शॉपिंग वाली खुशी भी पा सकते हो और अच्छे कपड़े भी पहन सकते हो, बस
जब ले रहे हो तो उनकी बटन्स वगैरह हैं जो, या कुछ कपड़ों पे दाग वगैरह है, उन सब चीज़ों को चेक करके शॉपिंग कीजिए। बाकी वहाँ पे आप बहुत आराम से शॉपिंग कर सकते हो और थोड़ा सा बार्गेनिंग चलती है वहाँ पे। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।